हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। क्या टॉपिक पढ़ना है हमें? कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेडब्ल्यू मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये सिर्फ एसएचएम से जुड़ा हुआ पार्ट नहीं है, इसमें कई सारे चैप्टर्स को इन्वॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि आप एसएचएम वाले चैप्टर तो कर ही लेंगे इससे, और उसके बाद आपको ये वेव्स में भी देखने को मिलेगा, फिर आपको वेव ऑप्टिक्स में देखने को मिलेगा, फिर आपको अल्टरनेटिंग करंट में देखने को मिलेगा, और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी कि ये अगर एक टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आप इतने सारे चैप्टर्स को कवर कर सकते हैं। कौन से चैप्टर्स? देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन के कॉम्बिनेशन को हम कैसे पढ़ेंगे, और ये पढ़ने के बाद ये कहाँ कहाँ यूज आएगा। तो पहले तो ये हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले चैप्टर में ही आ जाएगा, ऑसिलेशन में, इसके ऊपर क्वेश्चन करने का आ जाएगा। उसके बाद इसको हम यूज कर सकते हैं कहाँ पे? वेव्स में पढ़ सकते हैं इसको, है ना। तो इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन वेव्स के टॉपिक में आ सकता है। उसके बाद इससे जुड़ा हुआ टॉपिक पे एक क्वेश्चन आपको वेव ऑप्टिक्स में भी देखने को मिल सकता है, इंटरफेरेंस के टाइम पे। कहाँ पे? इंटरफेरेंस के टाइम पे। और इससे जुड़ा हुआ एक टॉपिक आपको एसी चैप्टर में देखने को मिलेगा, अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में, है ना। नेक्स्ट, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन कोई आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस जगह पे भी देखने को मिल सकता है। तो इसका मतलब ये जो टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो इससे जुड़े हुए क्वेश्चन इतने सारे चैप्टर में से किसी भी चैप्टर के टॉपिक में आ सकता है, तब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो हो गई बात कहाँ पे इसका यूज होगा। तो चलिए, इसको सॉल्व कैसे करना है ये भी सीख लेते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपके पास दो एसएचएम है, ये सिंपल हार्मोनिक वेव्स भी हो सकते हैं, है ना। तो आपके पास दो एसएचएम है, एक कह देंगे 10 sin ωt, सही है। एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है मेरे पास, जो कि y1 = 10 sin ωt के बराबर है। चलिए दूसरी वाली भी इक्वेशन ले लेते हैं, y2 = 10 sin ωt + 60 डिग्री बराबर। तो आप बताइए, ये दोनों का जो फेज है, फेज एंगल है, वो सेम है क्या? ऊपर वाले के लिए फेज एंगल सिर्फ ओमेगा टी है, और दूसरे वाले के लिए फेज एंगल कितना है? ओमेगा टी प्लस 60 बराबर। तो यहाँ पे दोनों डिफरेंट फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं, हमें इन्हें कंबाइन करना है। जैसे कि किसी पार्टिकल पे दोनों एक साथ आ जाए तो पार्टिकल का जो फाइनल एसएचएम होगा वो कैसे होगा, सही है। तो चलिए, इसको कंबाइन करने का तरीका क्या है? पहले आपको सबसे छोटा फेज रेफरेंस रखना है। किसको रखना है? छोटे वाले फेज को आप रेफरेंस में रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे छोटा फेज कौन सा है? ओमेगा टी बराबर। तो ओमेगा टी को आप रेफरेंस मान लीजिए हॉरिजेंटल डायरेक्शन बराबर। आप बताइए, ओमेगा टी फेज वाले का एम्पलीट्यूड कितना है? 10 है। तो चलिए, हमने यहाँ पे इसको वेक्टर समझ लिया है, ये वेक्टर नहीं है, जब इसको हमने वेक्टर समझा है, ये आप ध्यान रखें, राइट। आपने इसका बनाया 10 मीटर, सही है। उसके बाद दूसरे वाले में और इसमें कितने डिग्री का फर्क है? देखिए, इसमें ओमेगा टी था, इसमें भी ओमेगा टी है, इसमें 60 डिग्री एक्स्ट्रा है, सही है। तो इसका मतलब ये जो वेव है +60 डिग्री है, यानी कि 60 डिग्री आगे चल रहा है। तो इसके लिए आप एक नया वेक्टर ड्रॉ करेंगे यहां से बराबर, जो कि सॉरी कितने मीटर का है? एक नया वेक्टर हमने बनाया जो कि कितने मीटर का है? 10 मीटर का है। आप बताइए, मीटर नहीं लिखे, जस्ट यूनिट लिखे। बताइए, ये वाला आपका y1 वाला है और ये वाला आपका y2 वाला है, राइट। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? 60 डिग्री है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 60 डिग्री, सही है। तो अभी आप जानते हैं कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स कैसे निकाला जाता है ना। तो इसके लिए आप क्या करिए, इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लीजिए, तो आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो तो ऐसे आएगा। इसको आप नाम दे दीजिए ए, सही है। इसको नाम देंगे हम A1 और इसको नाम देंगे A2। A1 ये है और A2 ये। हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, है ना। तो बस ए के लिए फॉर्मूला आप जानते हैं, रिजल्टेंट जो निकाला जाता है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट A1² + A2² + 2A1A2 cos φ बराबर है।
अब सारे वैल्यू अगर मैं इसके अंदर पुट कर दूं तो बताइए ए क्या आएगा। ए रूट ए वन की वैल्यू कितनी है 10, 10 का स्क्वायर 100, ए टू भी 10 है इसका भी स्क्वायर 100, प्लस 2 इंटू 100 कॉस 60 क्या 1/2 देगा, कॉस 60 क्या देगा आपको 1/2, 5 मतलब ये 60 बराबर। सारे वैल्यू आप देख लीजिए 200 प्लस 200 ये वाला, सॉरी एक मिनट, ये 100 प्लस 100 200 प्लस 200 कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये और ये कटा तो ये 100, तो ओवरऑल में आंसर आया 300, अंडर रूट 300 बराबर। तो यहां से अगर आप ए की वैल्यू लिखते हैं तो आप लिखेंगे 10√3, सही है। 10 कैसे आया, 100 को हमने रूट के बाहर निकाल लिया बराबर। चलिए आपको तो पता चल गया अगर ये दोनों वेव 60 डिग्री के फेज पे आके मिलते हैं तो इनसे जो नया वेव बनेगा या नया SHM बनेगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 10√3 आएगी। आई होप ये समझ में आया होगा। अभी ये जो ए है वो ए वन के फेज में है या ए टू के फेज में है या कुछ अलग ही फेज है, अलग फेज है इसका, तो हमने इसका फेज लिखा अल्फा। क्या बोल के लिखा इसको, अल्फा। तो चलिए अल्फा के लिए फॉर्मूला क्या जानते हैं हम, ए टू साइन फाई डिवाइडेड बाई ए वन प्लस ए टू कॉस, सही। सारे वैल्यू पुट कर दीजिए, ए टू कितना है 10 साइन 60 √3/2 डिवाइडेड बाई ए वन 10 प्लस ए टू भी 10 कॉस 60 1/2, ये और ये कटा 5 से तो ऊपर आया 5√3। नीचे देखिए ये वाला और ये वाला कटा तो ये वाला कितना आएगा 15, 5 और 15 कटा 5 से तो ये वाला सॉरी 3 से कटेगा, √3 और 3 कटा 1/√3 से, यानी कि यहाँ पे 1/√3 आ रहा है बराबर है, ये टैन अल्फा है। आप बताइए टैन को अगर आप उधर भेजेंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, टैन इनवर्स 1/√3, टैन इनवर्स कितना आएगा 1/√3 आएगा, तो यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 30 डिग्री बराबर है। यानी कि जो आपका रिजल्टेंट वेव होगा उसका फेज डिफरेंस फर्स्ट वेव के कंपैरिजन में 30 डिग्री एक्स्ट्रा होगा। तो आप नया वेव कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू 10√3 साइन फर्स्ट वाले वेव का फेज एज इट इज प्लस कितने डिग्री 30 डिग्री। दिस इज द वे यू कैन ऐड टू SHM राइट। तो चलिए मैं आपको बता दूं ऐसे वाले कहां कहां पे क्वेश्चन आएंगे आपको, तो एक क्वेश्चन और लेते, कुछ नहीं करना है आपको, दोनों एम्पलीट्यूड को दो वेक्टर मानने हैं और दोनों के एंगल के बीच में जो डिफरेंस रहेगा उसको आप दोनों के बीच का एंगल सेट कर दीजिए, सही है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए आई इज इक्वल टू 10 sin ωt प्लस 30 डिग्री प्लस 20 sin ωt प्लस 120 डिग्री। देखिए यहाँ पे आपको मैंने करंट दे दिया, ऐसे दो फॉर्म में है ना, 10 sin ωt प्लस 30, नेक्स्ट वन 10 20 sin ωt प्लस 120 बराबर। तो इन्हें सॉल्व करना है तो मैं इसको थोड़ा और सिंपल बनाने के लिए ये नंबर ही चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे हम ले लेंगे 3 और इसको मान लीजिए 4 ताकि हमें एक अच्छा आंसर आए, सही है। अब जरा बताइए इसका फेज कितना है, फेज मतलब एंगल, फेज कितना है इसका ओमेगा टी प्लस 30, इसके लिए कितना है ओमेगा टी प्लस 120। बताइए दोनों को अगर आप माइनस करेंगे तो आपको कितने डिग्री मिलेंगे, अगर बड़ा कौन है इसमें ओमेगा टी प्लस 30 के ओमेगा टी प्लस 120, ऑब्वियसली ओमेगा टी प्लस 120। अगर आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, ओमेगा टी कट जाएंगे और इस 120 में 30 निकाल देंगे तब भी क्या बचेगा 90 डिग्री बचेगा आपके पास, सही है। तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों जो SHM है इनके बीच का जो एंगल है वो कितने डिग्री है 90 डिग्री। तो मैं ऐसे लिख दूं, वही बड़ा वाला एंगल माइनस छोटा वाला एंगल, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 90 डिग्री बराबर। इतना
अब क्या करना है आपको, दो वेक्टर है उसमें से छोटे वाले को आप हॉरिजेंटल सेट कर देंगे फर्स्ट में, राइट। तो ये वाला आपका हॉरिजेंटल में सेट हो गया। अब बताइए छोटे वाले का यानी कि 3 हो गया ये एम्पलीट्यूड, सही है। और बड़े वाले को, बड़ा वाला मतलब एंगल से देख रहा हूं मैं, है ना, तो इसको आप सेट करेंगे कितने डिग्री पे, 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब ऐसे, ये वाला 4। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। अब आपको इसका रिजल्टेंट चाहिए तो आप एक काम करिए, यहां से आप एक डायगोनल बना लीजिए, है ना। अगर ये वाला 3 है, ये वाला 4 है, तो पक्का ये वाला भी 4 ही होगा। अब देखिए यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगने वाला है, तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये 3 है, ये 4 है, तो ये पक्का क्या आएगा, 5। हाइपोटेन्यूज हो गया आंसर, यानी कि इसका जो पीक वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा, है ना। देखिए यहाँ पे आई इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, 5 sin, फर्स्ट वाले का एंगल जितना है पूरा लिखना चाहिए, ओमेगा टी प्लस 30 एज इट इज लिखना चाहिए। अब कुछ एक्स्ट्रा ऐड करेंगे आप ये वाला, जिसे हम कहेंगे अल्फा। अभी मेरे को अल्फा भी ऐड करना है इसके अंदर, क्योंकि मैं जो इक्वेशन लिख रहा हूँ वो रिजल्टेंट लिख रहा हूँ, ना तो I1 का है ना तो I2 का है, इन दोनों का फाइनल है, राइट। तो अब इस अल्फा की वैल्यू लाने के लिए मैंने फॉर्मूला पहले ही बोल रखा है आपको। आप बताइए यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पक्का यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आएगी, तो आप लगा लीजिए टैन अल्फा। टैन के सामने वाला साइड कौन है, 4, और बाजू वाला साइड कौन है, 3। बताइए अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टैन इनवर्स 4/3, जो कि होता है 53 डिग्री। कितने डिग्री, 53 डिग्री, राइट। तो मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा, तो मेरी जो इक्वेशन बनेगी 5 sin ωt +30 +53। बताइए इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, 5 sin ωt +83। दिस इज द फाइनल वे। अब आप बता लीजिए आई आर एम एस कितना आएगा, आई नॉट कितना आएगा, आई एवरेज कितना आएगा, जो चाहे वो फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, राइट। तो आपको अगर मैं यहाँ पे पूछ लेता कि आई आर एम एस कितना है, तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे दो दो आई नॉट है, एक 3 है, एक 4 है, इनको सॉल्व करके आपको सिंगल इक्वेशन में लानी है, वो सिंगल इक्वेशन इस तरीके से लाया जा सकता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Y1 इज इक्वल टू 30 sin ωt, Y2 इज इक्वल टू 40 cos ωt। फाइंड रिजल्टेंट वेव, इन दोनों को कंबाइन करके एक नया वेव बनाइए, उसका बारे में बताइए आप, है ना। तो उस वेव के बारे में मैं लिखना चाहता हूं, तो मैं ऐसे लिखूंगा, Y इज इक्वल टू ए साइन, हाँ यहाँ पे दोनों का एंगल सेम ही लग रहा है ना, तो यहाँ पे दिक्कत आ गई। लेकिन एक का फंक्शन क्या है, साइन है, दूसरे का फंक्शन क्या है, कॉस है, तो इनको कैसे सॉल्व करोगे आप। तो जैसे कि हम जानते हैं कॉस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा प्लस 90, सही है। साइन 90 प्लस थीटा क्या देगा आपको, कॉस थीटा ही तो देगा, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बराबर। तो चलिए यहां से आप बोल देंगे, तो ये वाला एंगल आप अगर इसको सही से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 40 40 sin ωt+9, बराबर है। अब बताइए इसमें एंगल जो बन रहा है वो ओमेगा टी है, इसमें जो एंगल बन रहा है वो ओमेगा टी प्लस 90 है, तो मैं रेफरेंस के लिए किसको चूज करूँ, छोटा वाला एंगल ओमेगा टी, है ना। तो मैं यहाँ पे ओमेगा टी लिख दूंगा, प्लस साथ में कुछ अल्फा भी लिख दूंगा। अब मेरे को इसमें किसकी वैल्यू पता करनी है, एक ए की वैल्यू पता करनी है, दूसरी अल्फा की वैल्यू पता करनी है, तो मेरे को फाइनल वे मिल जाएगा। तो चलिए ए ढूंढते हैं। ए ढूंढने के लिए आपको रेफरेंस लेना होगा छोटे एंगल का, छोटे एंगल का वैल्यू कितना है, 30, तो आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए 30, बराबर है। और बड़े एंगल का कितना है, 40। आप बताइए दोनों के बीच में कितने डिग्री का फर्क है, 90 डिग्री, यानी कि ये और ये परपेंडिकुलर होने चाहिए, हमने इसको लिखा है ऐसे, 40, बराबर है। चलिए अब इसका अगर आप कंप्लीट करके डायगोनल फाइंड करेंगे तो पक्का आपको क्या मिलेगा, 50, क्योंकि ये 30, ये 40, ये 3, ये 4, ये तो ये 5 आएगा, तो वैसे ये 30, ये 40, तो ये पक्का 50 आएगा, ट्राई करके देख लेना आप, है ना। आप बताइए आपको ए तो मिल गया, क्या मिल गया, ए, ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 50, सही है, तो ए मिल गया। अभी क्या चाहिए, अल्फा, है ना। तो ये वाला 40 है, तो ये भी पक्का 40 होगा, तो ये वाला एंगल को अल्फा कह देंगे हम,
बताइए, राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ गया, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री आने वाली है। तो यहां पे हम लिखेंगे टैन अल्फा। बताइए अल्फा के सामने कौन है? 40, और बेस कौन है? 30। तो ये कट गया। तो बताइए टैन में 4/3 कब आता है? अब अल्फा की वैल्यू 53 डिग्री होनी चाहिए, सही है? तो आप बताइए, आपको ए मिल गया, अल्फा मिल गया, पुट कर दीजिए तो आपको नया वेव भी मिल गया। कितना है ये? 50 साइन ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री। उम्मीद करता हूं कि आपने थोड़ा तो सीखा होगा इससे, कॉम्बिनेशन ऑफ SHM, SHM को कंबाइन कैसे करना है। SHM को कंबाइन करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, छोटे वाले एंगल को रेफरेंस रखना है हॉरिजेंटल में, उसके एम्पलीट्यूड को, राइट? उसके बाद दूसरा वाला जो वेव है उसके और पहले वाले के बीच में कितने डिग्री का फर्क है देखना है एंगल में, उतने डिग्री पे आपको बड़े वाले वेव को ड्रॉ करना है एम्पलीट्यूड को। उसके बाद आपको वेक्टर्स के एडिशन वाले रूल लगाने हैं, उससे आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा, फिर आप एंगल भी फाइंड कर लेंगे इस तरीके से, राइट? तो ये वाला अगर आपने टॉपिक थोड़ा भी समझ लिया है तो आपके 5 चैप्टर के अंदर काम आएगा, राइट? तो आपके अच्छे खासा स्कोर बना सकता है किसी एग्जाम में। तो इसको प्रैक्टिस करिए, अगर कहीं नहीं समझ आया तो वीडियो के नीचे फिर कमेंट करिए, अगली बार मैं कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ इसको ट्राई कराता हूँ, राइट? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।